ऐसे मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में आने वाले मरीजों को भीषण गर्मी में पर्चा और दवा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन अब पर्चा और दवा काउंटर रिसेप्शन से कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने से मरीजों को राहत मिलेगी। रिसेप्शन का निर्माण होने के बाद एसी पंखे लगाकर काउंटर शुरू करा दिए गए हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संगठन मंत्री एवं जिला मंत्री आरएस राणा ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में 6 दवा काउंटर 7 पर्चा काउंटर बनाए गए हैं, जिससे मरीज आराम से पर्चा बनवाकर दवा ले सकेंगे। बायरोग विभाग में ये नया रिसेप्शन कॉम्प्लेक्स बनाए, इसमें मरीजों के लिए जो गर्मी की अधिकता को देखते हुए हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर जी के एनाजानी जी ने इसको स्टार्ट करवा दिया है। यहाँ पे दवाइयों के दोनों काउंटर पीजीएस एवं पीपीक्यू डिस्पेंसरी एवं जो रजिस्ट्रेशन होता है पर्चे बनते हैं उसके भी काउंटर अभी कल स्टार्ट हो जाएंगे, आज शिफ्ट करवा दिए जा रहे हैं। अंदर एसी है, पंखे भी हैं, बाहर भी और कूलर और एसी की व्यवस्था की जा रही है कहा गया है, और पूरा एकदम आधुनिक बनाया गया है। ऐसे अग्निशमन के यंत्र लगाए गए हैं, कोई एक धुआं का भी वो लगाया गया है, हल्का सा भी धुआं रोशन हो तो अलार्म वगैरह बजने लगेंगे। इसमें एकदम पूरी तरह से आधुनिक और मरीजों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, और इसमें हेल्प मे आई हेल्प यू इस तरीके के काउंटर लगाए जाएंगे, मरीज को किसी तरह की असुविधा न हो, ऐसे सारे जो है कर्मचारी आउटसोर्स से भी कर्मचारी लिए गए। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग में अभी कार्य चल रहा है, लेकिन भीषण गर्मी में मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए दवा और पर्चा बनाने के काउंटर शिफ्ट कराना शुरू कर दिए गए हैं। अब मरीज एसी और पंखों में खड़े होकर पर्चा बनवाकर काउंटरों से दवा ले रहे हैं। दवा और पर्चा बनाने के कई काउंटर होने के कारण मरीज और उनके तीमारदारों को परेशानी भी नहीं हो रही है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी को उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत आभार। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था एसएन मेडिकल कॉलेज में कराई, और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ करा रहे हैं उसे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के सारे सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मरीज आराम से बैठ करके और आराम से लाइन में, मतलब गर्मी वहाँ पे बहुत गर्मी लगती थी, मरीज बेहोश हो रहा था रोज, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारी सुविधाएं होने की वजह से मरीज आराम से लाइन में भी खड़ा हो करके और अपनी दवाइयों को और यहाँ पे पर्चे बनवाने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पर्चे वहाँ पे खड़े होते थे तो मरीजों को लाइन इतनी लंबी होती थी कि वहाँ आराम से खड़े नहीं हो पाते थे। यहाँ हमारे प्रधानाचार्य जी ने काफ़ी अच्छे उस पर व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, और हमारे यहाँ सारा ये क्या कहते हैं अग्निशमन यंत्र वगैरह लगे हैं, कोई ताकि आगे भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। रिसेप्शन कॉम्प्लेक्स में एसी पंखे के साथ अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं। वहीं मरीजों के पीने के पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, इसके लिए आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मरीजों की सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल में कार्य करा रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।